मैं मेरठ में एक एसोसिएट प्रोफेसर हूं विधि डिपार्टमेंट, और एक मुझे मौका मिला अपनी सोसाइटी के बारे में लिखने का, चाहे वो आर्टिकल्स हो, अखबारों में आर्टिकल्स हो, और टीवी चैनल वाला भी एक मुझे मौका मिला। और मैंने उस टीवी चैनल वाले मौके में मैं दलित समाज का चूर्ण बनने की कोशिश की। मैंने लोगों को वो दिया और उनके अंदर से दलितों के की जो भूख है, उनके बारे में जानने की जो भूख है, उसको कहीं करने का काम किया। देखो एक चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, अच्छा मोबाइल में नहीं किया, मैं मोबाइल में आगे सुन रहा हूँ, कि मुझे एक कमी नजर आती है बढ़िया कि दलितों के जो पॉलिटिकल संगठन है, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हो और कोई भी राजनीतिक संगठन, वो जो कर रहे हैं उनको करेंगे, लेकिन आपके जो सामाजिक संगठन है, कम से कम वहां तो सामाजिकता की बात कर दो, वहां तो कम से कम जो सामाजिक लोग काम कर रहे हैं उनकी बात कर लो, क्योंकि यही तो लड़ाई है। मैं 2 अप्रैल का 5 मुकदमे घरी मैं उसका अभियुक्त हूं, और 2 अप्रैल के दिन CNN चैनल के बाहर उत्तर प्रदेश के 20 गाड़ियां, सर नमस्कार, 20 गाड़ियां खड़ी है, और मुझे एक मेरे किसी भीम अनुयायी ने कहा कि डॉक्टर साहब आपको गिरफ्तार करेंगी, NSA लगाएंगे। मेरे चक्कर में गिरफ्तार हुआ राकेश सिन्हा, जो आजकल राज्यसभा के मेंबर भी होते, निकल गया। और पूरे देश की ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि समाज को कुछ बातें पता होनी चाहिए, कि पूरे देश की IB हो, CBI हो, सारी जांच एजेंसियां हो, वो सिर्फ इस बात को जानना चाहती है कि दलित आंदोलन पनपा कैसे, इसके पीछे कौन है, ये आखिर हुआ क्या, कि एक दलित जो आरक्षण जिसका सारा ही आंदोलन रिएक्शन पर आधारित हो, वो एक्शन में कैसे बदल गया। क्योंकि दलित आंदोलन हमेशा रिएक्शन पर आधारित है, और रिएक्शन के टुकड़ों में, दलित आंदोलन की यही कमी है कि दलित आंदोलन हमेशा टुकड़ों में पनपा। अगर एक दिन आंदोलन महाराष्ट्र में होता है तो उसके 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश में होता है, और उसके 4 दिन बाद राजस्थान में होता है, और उसके नेक्स्ट दिन किसी और प्रदेश में होता है। ऐसा नहीं कि दलितों में आंदोलन नहीं हो रहे थे, लेकिन दलितों में आंदोलन हो रहे थे, लेकिन दलित आंदोलन की एक समस्या थी कि वो हमेशा टुकड़ों में होता। जिस आदमी ने 2 अप्रैल की घटना लिखी, उसके दिमाग में एक बात रही कि होली दिवाली हम मनाए या ना मनाए, लेकिन होली दिवाली से पहले या जो भी त्योहार है, उस त्योहार के आने से पहले लोगों के मन में एक जोश, एक ताकत होती है। और दलितों के लिए 14 अप्रैल का जो समय है, 1 अप्रैल से 14 अप्रैल का समय कहीं ना कहीं बाबा साहब की विचारधाराओं का समय होता है। उसने चूज किया, आपको मालूम है, ये कोई छोड़िए टीवी में किसी को क्या वर्णित कर दे, लेकिन 2 अप्रैल का आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं था, वो दलितों का पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है, उनकी पॉलिटिकल अभिव्यक्ति है, उनको लगा कि 2014 में आपका राजनीतिक शासन का हो गया, 2017 में और खत्म हुआ, और न्यायालय के हमले हुए, तब वो फ्रस्ट्रेट हुआ। उसने लिखी 1 तारीख भी लिखी गई, डिस्कस हुआ लोगों में, लेकिन 1 तारीख में पता लगा, अरे भैया दलितों का वैसी सवाल है, कहले 1 तारीख में बेवकूफ तो नहीं बन गए। फिर उसने 2 तारीख की रखी, और 2 तारीख ट्रायल डेट है, इस दुनिया को बताओ कि 2 तारीख ट्रायल डेट है, अगर 80 तारीख में ये दलित आंदोलन हो जाता तो इस देश की व्यवस्था चेंज हो जाती। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखो 2 तारीख का जो आंदोलन है वो सक्सेसफुल क्यों है, उसकी वो सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि दलितों के आंदोलन इसलिए फेल होते हैं कि एक संगठन का आदमी दूसरे संगठन में जाता नहीं, और दूसरे संगठन का आदमी तीसरे संगठन में नहीं जाता। अगर ये 2 अप्रैल का आंदोलन लिखने वाला व्यक्ति अगर उसके नीचे कोई संगठन का नाम लिख देता तो कहीं ना कहीं आंदोलन बर्बाद हो जाता। उसने
उसने जगह नहीं दी, उसने फोन दिया कि जाओ अपना झंडा अपना संगठन जाओ सड़क पे उतर जाओ और 2 तारीख के आंदोलन का हिस्सा बन जाओ। ये दलित आंदोलन है और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मेरे भाई आए थे एक बहुत खूबसूरत आपने जो कार्यक्रम कर रहे थे, मैं पवन जी से भी कह रहा था, ये बात मैंने इसलिए कही कि ठीक है, अरे ये भी तो ब्राह्मण नीति है कि आप अपनी विचारधारा को दूसरों के ऊपर थोप रहे हो। अगर आप सामाजिक आंदोलन चलाते हो तो सामाजिक आंदोलन की बात, फिर सामाजिक आंदोलन की बात करो। अगर मैं सारे दिन बहुजन समाज पार्टी के लिए लिखता हूं, मैं सारे दिन टीवी के ऊपर बहुजन समाज पार्टी के लिए बोलता हूं, लेकिन अगर मैं उसको निर्देशित करने के ऊपर आ जाऊं तो आप ये बताइए कि 2007 में किसने उसको डायलिट किया। लेकिन ये बात बोलने की नहीं है। अगर आप पोस्टमार्टम पे आओगे तो काट काट के लोग टुकड़े कर देंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपका सामाजिक आंदोलन है तो उसको सामाजिक ही बना करके रखो। एक बात बतला कि देखो संघर्ष कहां होगा, लोगों को दलितों के बड़े मकान, उनके सुंदर चेहरे और उनकी सुंदर गाड़ियों से दिक्कत नहीं है, उनको दलितों की अपनी जो पहचान है, दलितों की अपनी जो संघर्ष है, दलितों की अपनी जो संस्कृति की लड़ाई है, उस लड़ाई से पहचान है। आपने मूल निवासी लिखा, लेकिन इस देश में घटना घटी। हरियाणा में राखी गली एक जगह है, अभी वहां एक उत्खनन हुआ और वह देश में सबसे पुराना कंकाल हड़प्पा का जो समय है वो 4000 साल पुराना है, और वो कंकाल जो है उससे भी 1500 साल पुराना कंकाल एक मिला, और सरकार के लोगों ने और इस देश में व्यवस्था है कि यहां का व्यक्ति ये कहता है कि मैं मूल निवासी हूं और वो कहते हैं कि हम यहां के असली वासी हैं। और जब वो जांच के लिए गया, वो जांच में बता क्या मालूम हुआ, इतनी सी खबर है अखबारों में, इतनी सी खबर है, उनके काम की खबर नहीं है। लेकिन ये खबर आपकी तरफ से बाहर निकलनी चाहिए। उसमें जो DNA टेस्ट हुआ, आर्यंस की जो DNA टेस्ट होता है उसका जेनेटिक कोड होता है R1, वो उसमें से नहीं, आप यहां के मूल निवासी होंगे। और राजस्थान के बैरवा समाज है, निश्चित रूप से इस देश में अगर असली कहीं खून है तो वो कहीं ना कहीं बैरवा समाज और राजस्थान के लोगों के बीच में होगा। सर आप 2 लाख रुपए लगा करके एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं तो उसका 5% सिर्फ ब्राह्मणों को खोजने में और व्यवस्था को खोजने में लगाओ, बाकी दलितों का भविष्य का एजेंडा क्या है इसके ऊपर लगाओ। आप कहां खड़े हैं आपको मालूम है क्या हो रहा है इस देश में? इस देश में दलितों की जो आइडेंटिटी की लड़ाई है, दलित उससे ऊपर चला गया। अगर दलित ने यह कह दिया कि द ग्रेट समाज, अगर दलित ये कह रहा है, अगर समाज भी ये कह रहा है कि मैं ग्रेट हूं, तो लाजा ही आइडेंटिटी की खत्म होगी। अब तो हिस्सेदारी की लड़ाई है, अब तो हिस्सेदारी की लड़ाई है। एक किताब के ऊपर मैं काम कर रहा था, वो कभी पूरी नहीं हुई, पिछले 5 साल से एक किताब के ऊपर काम करना चाहता, उसको लिखता हूं, लेकिन हर बार उस किताब द कलर्स ऑफ दलित, उस किताब का नाम है द कलर्स ऑफ दलित, और वो जब भी मैं उसको पढ़ता हूं वो फिर नीचे चली जाती है, क्योंकि दलित आंदोलन की ताकत जो है वो रोज उसकी धार बढ़ती है, और मैं चाहता हूं कि उस किताब की धार भी उसी रूप में। किताब का नाम द कलर्स ऑफ दलित इसलिए है, उसकी एक टैगलाइन है, और उसकी टैगलाइन ये है कि कल गांव में जो रंग, जो चटकीले, जो भड़कीले रंग, जिसको लोग ये कहते थे कि ये क्या चमारों के रंग है, आज वही चमारों के रंग अगर दुनिया की कोई भी महिला अपनी सुंदरता का प्रचार करे तो उन चमारों के रंगों को उसको धारण करना पड़ेगा। ये दलित संस्कृति है, और ये दलित संस्कृति मालूम है कहां से आई, दलितों का आंदोलन कहां से सीखा, दलितों का ये आंदोलन कहीं ना कहीं ब्लैक जो अमेरिका का आंदोलन है, आपको मालूम है लड़ाई कैसे शुरू होती है, लड़ाई ऐसे नहीं होती कि चार ब्राह्मणों को टोक दो। अरे यार भाई साहब सॉरी मेरे बुजुर्ग, अगर ब्राह्मणों को ही गाली देनी है तो जब तुम 5 ब्राह्मणों को जिमा सकते हो तो 500 रुपए खर्च करके, 500 रुपए खर्च करके, 2500 रुपए खर्च करके 5 ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाओ और
अनुयायी है, हम भूखों को खाना खिलाते हैं, लेकिन 500 रुपए इस बात के देंगे कि आपको अपना खाना भी चलना चाहिए। आपको परिवर्तन करना पड़ेगा और फिर मैं